नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको पता है कि इस बिहार में सरकारें बदलने में पल भर का वक्त नहीं लगता है। अब इस बात को लेकर के आपके मन में भी हो रहा होगा कि मैं फिर से वही बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे वजह है, कारण जो है वो आपको भी पता है, पर उस कारण को डिटेल में आपके सामने रखना होगा। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद फिर से योजनाएं शुरू हो गई हैं, रणनीति बनने लगी हैं, और कैसे ये दोनों अलग हों इस पर मंथन शुरू हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों के मिलने से अक्सर घाटा ही हुआ है, और इस घाटा को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर मार रही है। हमने आपको पिछले दिनों बताया था खबर में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अकेली पड़ गई है, और बिहार में महागठबंधन 7 दलों का बन गया है। बाकी के जो दल हैं या तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, या फिर वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें निश्चित रूप से हो रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो सामने चीज़ें आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि पूरी तरह से बिहार बदला हुआ है। बिहार को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव को लेकर के जो सीबीआई की नोटिस आई है उसने एक बार फिर से असर किया है, और सीबीआई की नोटिस के बाद इस बात को शुरू कर दिया गया है, कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नए दिशा में अपना काम शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे मामले से ठीक पहले बिहार में जो आप रेड हुए, ईडी का अन्य जो एजेंसियां हैं उनकी रेड हुई, उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश और तेजस्वी के साथ आने को लेकर के काफ़ी परेशान है, और इसको लेकर के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके इस तरह के कार्रवाई करवा रही है। इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले 2017 में जो मामला इस बार फिर से सीबीआई ने उठाया है, और सीबीआई ने नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि बड़े पद पर आने के बाद तेजस्वी यादव इस मामले को प्रभावित कर सकते हैं। ये मामला है IRCTC घोटाले का। इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरोपी हैं। इस मामले को लेकर के जमानत पर चल रहे हैं, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। अब सीबीआई ने अदालत को दलील पेश किया है कि यह गंभीर मामला है और तेजस्वी यादव मामले की जाँच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द कर दी जाए ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। सीबीआई ने याचिका में यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव के बाहर रहने से इस मामले के गवाह प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में यादव को अगर उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए तो सीबीआई को और ज़्यादा आसानी होगी इस मामले में आगे बढ़ करके जाँच करने की। आपको बता दें कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य कई लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। यह मामला जो लगातार चल रहा है वो राउज एवेन्यू अदालत में चल रहा है। इसकी जांच सीबीआई के साथ ही ईडी भी कर रही है। इस मामले में IRCTC के होटल के टेंडर में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था, और जिसको लेकर के दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत से लालू के परिवार के सदस्यों को जमानत मिल गई थी। परंतु अब सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव प्रभावशाली पद पर हैं और मामले में हस्तक्षेप कर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको याद होगा कि 2017 में, जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो 2017 आते आते ये सरकार बदल गई थी, गिर गई थी, क्योंकि लगातार खुलासे हो रहे थे, और इसी बीच में ये मामला भी सामने आ गया था। अब एक बार फिर से जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आए हैं तो उसी तरह के मामले खड़े किए जा रहे हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस मामले को लेकर के, जहां एक तरफ सीबीआई अलर्ट मोड में है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं ये मामला फिर से प्रभावित हो रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव को मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश को अपने पाले में कर लेगी? इस पूरे मामले को लेकर के 2017 की जो घटनाएं हैं उसे याद करके राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में संशय की स्थिति जरूर है। तेजस्वी को मोहरा बनाकर फिर भाजपा के साथ जाएंगे नीतीश कुमार, ये बातें लगातार अब कही जा रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार जितनी मजबूती से तेजस्वी यादव के साथ रहने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने भी
सवाल उठाया है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इसका दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो लगता है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाएंगे। लेकिन जब से नोटिस आई है तब से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और बातचीत का शैली भी बदल गया है। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मोहरा बना करके पिछली बार भी सरकार गिराई गई थी, इस बार भी तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सीबीआई नोटिस के बाद फिर से केंद्र में रखा गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर